और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आयकर विभाग ने लालू प्रसाद के बेटे बेटी से जुड़ी बेनामी प्रॉपर्टी जब्त की है। बेनामी संपत्ति के मामले में ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मीसा तेजस्वी तेज प्रताप की संपत्ति जब्त की गई है, सूत्र बता रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। बेनामी संपत्ति के मामले में इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। बड़ी खबर है लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। आयकर विभाग ने लालू प्रसाद के बेटे बेटी से जुड़ी बेनामी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, मीसा तेजस्वी तेज प्रताप की संपत्ति जब्त की गई है। बेनामी संपत्ति के मामले में एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, एक बड़ा एक्शन लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, बड़ी खबर है इस वक्त की। आयकर विभाग ने लालू प्रसाद के बेटे बेटी से जुड़ी बेनामी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मीसा तेजस्वी तेज प्रताप की संपत्ति जब्त की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेनामी संपत्ति के मामले में लालू प्रसाद के बेटे बेटी से जुड़ी बेनामी प्रॉपर्टी जब्त की है। नीतीश कुमार जी मिलने गए थे और एक प्रश्न किया, घोषित सहमति मिल गई है, उन्होंने बधाई दे दी है। तो लालू प्रसाद यादव से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तमाम मीडियाकर्मी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जवाब देते नजर नहीं आए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। आयकर विभाग ने लालू प्रसाद के बेटे बेटी से जुड़ी बेनामी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, मीसा तेजस्वी और तेज प्रताप की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। बेनामी संपत्ति के मामले में इसे एक बड़ा एक्शन कहा जा रहा है, एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आयकर विभाग ने लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटी से जुड़ी बेनामी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर है, बेनामी संपत्ति के मामले में कार्रवाई हुई है, बेनामी संपत्ति के मामले में एक्शन लिया गया है। आयकर विभाग ने लालू प्रसाद के बेटे बेटी से जुड़ी बेनामी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, मीसा तेजस्वी और तेज प्रताप की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो आरजेडी सुप्रीमो से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि बेनामी संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई है, और आपको बता दें कि प्रॉपर्टी जब्त की गई है। मीसा भारती तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटी का प्रॉपर्टी यहां पर जब्त किए जाने की खबर आ रही है, ये खबर सूत्रों के हवाले से है।